नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपको स्वागत है हमारा स्नैक रेस्टोरेंट मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और कुछ दिन पहले हम लोग एक स्नैक पकड़ कर लाए थे, जिसको हम लोग रिलीज नहीं किए थे और रख दिए थे। उसके बाद रिलीज करने के समय हम लोग गए लेकर के रिलीज किया जाए, तो उस समय जो है कि सांप जो है कि डब्बा में ही वो अंडा दे दिया था, जो आप लोग को वीडियो के माध्यम से हम आपको अद्भुत सीन दिखाए भी थे। और उससे भी अच्छा अद्भुत सीन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि उस अंडा को सांप को रिलीज कर दिया गया था, और उस अंडे को हम लोग अपने देख रेख में करीबन 90 दिनों तक इसे हम लोग अपने देख रेख में रखा। और प्रत्येक दिन जाकर हम लोग जो है कि उसे देखते थे और जांच परख कर सकते थे, और फिर जो है कि उसको वहीं पर छोड़ देते थे। और वो सीन आ चुका है कि अब हम आपको पास जो है कि एक अद्भुत सीन आपको दिखाएंगे, जो हमारे अंदाज से कोई भी स्नैक रेस्क्यूअर या स्नैक सेवर ऐसा सीन आपको नहीं दिखाया होगा। और हम लोग स्नैक सेवर हैं, इसलिए उस अंडे को किसी जगह पे रखना हम लोग को उचित नहीं बुझाया उस समय, इसलिए उस अंडे को हम लोग अपने पास रख कर एक एक्सपेरिमेंट के रूप में हम लोग वहाँ पे रखें, और उसको प्रत्येक दिन चेक करते गए। चेक करने के दौरान 90 दिन के बाद जो है कि उसमें से सपोला जो है कि निकलना चालू हो गया, और उसे हम लोग एक डब्बा में से निकाल कर एक बाल्टी में रखते गए। और करीबन हमारे उस डब्बे में से करीबन 30 से 35 सपोला जो है कि निकला। और आपको बता दें कि सपोला के बारे में कि 90 दिन में वो अंडे से बाहर निकलना चालू हो जाता है सपोला, और एक सप्ताह के अंदर में वो पूरा जो है कि नाक की तरह आकार हो जाता है। और करीबन 21 दिन के बाद जो है कि उसमें जो है कि विषदंत आता है। 21 दिन से पहले वो बच्चा अगर किसी को बाइट करता है तो उससे थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 21 दिन के बाद 22वां दिन उसके अंदर में जो है कि उस सपोला के अंदर में विषदंत आना चालू हो जाता है। और करीबन 25 दिन के बाद वो सपोला अगर किसी को काट ले, जो सपोला हम आपको दिखाएंगे, वो 25 दिन के बाद अगर काट ले तो उससे जो है कि जिस तरह से बड़ा सांप काटता है, बड़ा सांप नाक काटता है, उस तरह विष लगता है, उस तरह से ये 25 दिन के बाद ये भी सपोला काट लेगा, तो आदमी का मृत्यु निश्चित है। चलिए आपको हम लोग जो है कि वो घड़ी समाप्त हुई, और मैं आप लोग को वो दिखाना चाहता हूँ। और वीडियो आप लोग जो है कि इसे स्किप ना करें, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा क्या होता है, ये सपोला कैसा होता है, सपोला में क्या होता है, ये सारी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। चलिए आपको हम वो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, चलिए आपको हम दिखाते हैं कि आखिर हम लोग उसको कैसे जो है कि सेपरेट किए और उसमें से बच्चा निकला। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है हमारा स्नैक रेस्टोरेंट मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और ये अंडा का जो है कि आज ये पहला दिन है, और इसे हम लोग जो है कि अपने देख रेख में इस अंडा को जो है कि एक्यूरेट करेंगे, और जैसे इसमें बच्चा निकलेगा वैसे हम आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग 5वां दिन आज हम लोग इस अंडे के पास हैं, देखते हैं कि आखिर क्या किस परिस्थिति में। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा परिस्थिति में है। मनी जी दिखा दीजिए, आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन। और इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई, और आप लोग को बता ही दिए थे कि शुरू से लेकर अंत तक हम दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद हम लोग यहीं पे उस अंडा को देखने के लिए आए, लेकिन आए तो डब्बा को देखे कि हम लोग खाली है, और हम लोग बहुत चिंतित हो गए कि खाली डब्बा क्यों है। लेकिन आप लोग को चिंतित होने की ज़रूरी नहीं है, और जो सीन हम अद्भुत सीन और अद्भुत नज़ारा दिखाने के लिए कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। मनी जी, आप जो है कि इन लोग को वो सीन दिखाइए जो सीन के लिए हम लोग कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। आप लोग हल्ला गुल्ला बंद कीजिए, इसे है सपोला जो है कि इसे 90 दिन के बाद जो है कि ये सपोला जो है कि हम लोग अपने देख रेख में जो है कि अंडा को एक्यूरेट किए थे, और उसके बाद इसमें से जो है कि यह सपोला निकला, और इस सपोला में अभी विष नहीं है, क्योंकि सपोला को जो है कि 7 दिन के बाद ये अपने रंग में आ जाएगा, और 21 दिन के बाद इसको विषदंत आता है, और करीबन 25 दिन के बाद ही ये किसी को भी काटेगा, बाइट करेगा, तो जहर इसके अंदर में
शरीर के अंदर में जाता है। चलिए और बहुत ही अद्भुत नज़ारा आप लोग को दिखाएं, और वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही रोचक और ख़तरनाक वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।